पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बन चुकी है और नीतीश कुमार अब एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री के तौर पर 9वीं बार शपथ ले चुके हैं। और इधर बिहार में जहां एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के साथ ही कई व्यवस्थाएं बदलने की बात कही जा रही है, तो वहीं आपको बता दें कि बिहार कैबिनेट के विस्तार को लेकर अभी बीजेपी और जदयू के बीच भी कुछ भी सब कुछ डील चल रहा है, यानी कि मामला अंदर अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि कई विभाग को लेकर के दोहापाती की स्थिति मची हुई है कि कौन सा विभाग बीजेपी रखेगी और कौन से जदयू रखेगी। देखिए, इसके पहले में लगातार हमने आपको बताया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है और गृह विभाग को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही है कि गृह विभाग हमें मिलना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पर जब बिहार में विपक्ष में तेजस्वी यादव थे तब भी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल करते थे, जब बीजेपी भी विपक्ष में थी तब भी लॉ एंड ऑर्डर पर हमले करती थी, लेकिन गृह विभाग को लेकर के जो स्थितियां मची है उन सब के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 IAS और 73 DSP का तबादला कर दिया है। बिहार में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का दौर जारी है। 2 IAS अधिकारियों के साथ साथ 73 DSP ट्रांसफ़र किए गए। इसके अलावा बिहार प्रशासनिक सेवा के 38 अधिकारियों का भी ट्रांसफ़र किया गया है। इसकी अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी की गई। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के विशेष सचिव वीरेंद्र यादव को सहकारिता विभाग स्पेशल सेक्रेटरी बनाया गया। वीरेंद्र यादव 2004 बैच के अधिकारी हैं। इसके अलावा कृषि प्रशासन संयुक्त निदेशक अनिल ठाकुर को पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग का संयुक्त सचिव बनाया गया है। अनिल ठाकुर 2014 बैच के IAS अफसर हैं। किसी DSP का कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है इसके लिस्ट जो है वो हम आपको इस वक्त अपने स्क्रीन पर चला के दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अलग अलग विभागों के जो DSP हैं उनका ट्रांसफ़र अलग अलग विभागों में कर दिया गया है। देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग में ट्रांसफ़र पोस्टिंग लगातार की जा रही है और इधर सामान्य प्रशासन विभाग को ही लेकर भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में तनातनी की स्थिति मची हुई है कि क्या होगा, किस कौन सा विभाग देना है, कौन सा विभाग नहीं देना है, जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं चली हैं। और इन्हीं चर्चाओं के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दिया है। शुक्रवार को बड़े पैमाने पर IAS IPS अफसरों का तबादला किया गया। कई IAS अफसरों के अलावा 79 IPS अफसरों को इधर से उधर किया गया। गृह विभाग के जारी अधिसूचना में ये तमाम चीज़ें हुई हैं। देखिए, इसी विभाग को लेकर के अभी भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में तनातनी की स्थिति मची हुई है कि ये विभाग बीजेपी चाहता है कि हमें मिल जाए तो जदयू इस विभाग को छोड़ना ही चाहता है। गृह विभाग हमेशा से नीतीश कुमार के साथ रहा है, लेकिन अब इस विभाग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा तनातनी मच चुका है, लेकिन बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार ने इधर से उधर ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दिया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 8167 00। धन्यवाद।